ये हैं लतिका चौहान जी, इन्होंने मजिठिया वेज बोर्ड का क्लेम लगाया है। महाराष्ट्र की ये पहली महिला कर्मचारी हैं जिनका कि आरसी जारी हुआ है और इनका आधा पेमेंट हाई कोर्ट में जमा हो गया है। मैं चाहूँगा कि ये कुछ अपने बारे में बताएं, कैसे कैसे संघर्ष आपको करने पड़े थे। पहले तो हाय नमस्कार, मैं मुंबई दैनिक भास्कर के ऑफिस में काम कर रही हूँ पिछले 12 साल से। मैं वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट हूँ। और जैसे ही मैंने मजेठिया क्लेम किया था तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था सोलापुर, जो कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफिस लेने से मना कर दिया और उसके बाद से फिर मेरा संघर्ष कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में दोनों तरफ चालू। मजिठिया के दौरान जो है आपको क्या लग रहा है, भविष्य क्या लग रहा है आपको कि आप महिला कर्मचारी हैं, पहली महिला महाराष्ट्र की कर्मचारी जिनकी आरसी जारी हुई, मजिठिया के बारे में आप क्या कहेंगे? शुरुआत में करते वक्त डर तो लगा था, बट उसके बाद जब एक एक स्टेप में आगे बढ़ते गई तो मुझे लगा कि एक्चुअली मैंने काफ़ी लेट कर दिया। मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था मजिठिया का केस, ताकि मेरे वजह से, मतलब एटलीस्ट महिलाओं को मेरे वजह से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती, मुझे ऐसे लगता है। आपका कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था, मजिठिया मांगने के कारण आपका ट्रांसफ़र किया गया था? हाँ, मैंने मजिठिया क्लेम किया, उसके बाद उन्होंने मुझे विद इन 2 डेज़ उन्होंने मुझे सोलापुर जाने के लिए बोला था, जो कि मैंने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा सा धमकाया वगैरह और ऑफिस में दो दिन के बाद मैं अपने टाइम पे ऑफिस पे गई थी तो उन्होंने मुझे वहाँ पे नहीं लिया था। तो वो उसके बारे में भी मैंने केस लोअर कोर्ट में की हुई। अच्छा, दूसरे लोग जो मजिठिया का क्लेम लगाने जा रहे हैं डरे हुए रहते हैं कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे आप? क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं रहा कि मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। बट जो वाकई में अगर कोई एक लौता आदमी है जो अपना घर चला रहा है और उसके कारण अब सारे घर वाले मतलब अच्छी लाइफ देख सकते हैं, मगर वो आदमी कमाना बंद कर दे, तो ऐसे लोगों को सोचना ज़रूरी है कि वो करे या नहीं करे। बट मुझे लगता है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती आई है और आगे भी होगी। मुझे लगता है कि हर किसी को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। इस लड़ाई में किसका किसका सहयोग मिला आपको? बहुत सारे लोगों का, जैसे कि सबसे पहले तो शशिकांत सर है हमारे, आप ही, आपकी वजह से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस और एनर्जी मिली है। उसके बाद धर्मेंद्र प्रताप सिंह जो मेरे साथ ही काम करते हैं और हम लोगों ने साथ में ही केस, उन्होंने मेरे से पहले की थी और मैंने उनके बाद 6 महीने बाद केस की थी। भड़ास के बारे में आप क्या कहेंगे? एक अच्छी साइट है और मतलब ये साइट पे मुझे पहले तो बहुत कुछ पता ही नहीं था ये साइट के बारे में। जब मैंने अपना केस दर्ज किया उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे एक्चुअली सारी जो गलत चीज़ें होती हैं उसकी पोल खुलती है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग साइट है। अच्छा, अभी आपका आगे क्या क्या प्लानिंग है? आपने को कंपनी नौकरी से निकाल दिया, अभी क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग तो मतलब कुछ सोचा नहीं है, मैंने यही सोचा है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ और मैंने अपने हक के लिए कुछ मांगा है। तो मुझे लगता है जब तक ये केस चलेगी मैं लड़ूंगी और उसी पॉजिटिव एनर्जी से लड़ूंगी, मेरी लड़ाई में कोई भी कमी नहीं आएगी। आपने कहाँ का केस लगाया हुआ है? एक लोअर कोर्ट में है और एक हाई कोर्ट में है। और अगर हाई कोर्ट में भी, अगर भगवान ना करे कि वहाँ पे भी अगर कुछ नहीं होता है मेरे साइड से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी रेडी हूँ। अच्छा, आपका कितना पेमेंट जमा हुआ है हाई कोर्ट में? कंपनी ने कितना पेमेंट जमा कराया आपका मजिठिया वेज बोर्ड का हाई कोर्ट में? 7 लाख मेरा 50% उन्होंने जमा किया। अच्छा, 50% जमा किया, जो कि विदाउट इंटरेस्ट है। अच्छा, कभी आपको कंपनी ने कभी ऑफर किया था कि आप ज्वाइन कर लीजिए, केस ख़त्म कर लीजिए? हाँ, अभी हाल ही में हम लोग ने एक मीटिंग की थी, उनका मतलब तब मुझे लगा था कि शायद उन लोग कुछ सेटलमेंट करने के लिए बुला रहे थे, बट वहाँ पे मेरी बहस हो गई थी, वहाँ पे मेरी HR बैठी हुई थी और हम लोग में, जैसे कि इस केस के वजह से हम लोग के बीच में काफ़ी अनबन होती आई है आज तक, और वहाँ पे उस दिन भी वही हुआ, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था और उसके बाद उन्होंने जो अपना ऑफ़र शायद मुझे देने वाले थे वो झगड़े के कारण मुझे नहीं दे पाए, बट उनका मकसद वही था कि वो सेटलमेंट करें। आप मजिठिया की लड़ाई आगे भी जारी रखिए, भड़ास और जितने भी मीडियाकर्मी हैं जो कि मजिठिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब की तरफ से जो है सब आपके साथ हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।